पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर बैठकर लता मंगेशकर की आवाज में गाना गाने वाली रानू मंडल अपने इस टैलेंट को लेकर रातों रात ही सुपरस्टार बन गईं। अपने एक वीडियो के चलते रानू मंडल ने पूरे देश में अपनी दमदार पहचान बना ली है। खास बात यह है कि रानू मंडल अब बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाली है। दरअसल बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए रानू को गाने का मौका दिया है। इसका वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पश्चिम बंगाल की महिला रानू मंडल का एक वीडियो फेसबुक पर शेयर हुआ था। इस वीडियो में वो लता मंगेशकर की आवाज में उन्हीं का गाना प्यार का नगमा है गाती नजर आ रही थी। उनके इस वीडियो ने लाखों लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा था। देखिए दोस्तों, जब भिखारी थी तब इसके पास कोई नहीं था, इसके साथ कोई नहीं था। अभी ये सिंगर बन गई है तो इसके साथ देखिए इसके सारा फैमिली आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं। देखिए क्या पैसा क्या से क्या बना देता है दोस्तों।